नमस्कार दोस्तों, इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा संचालित जीवन रक्षा को समर्पित इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। 4 अगस्त को बोन एंड जॉइंट दिवस का आयोजन 2012 से पूरे देश में किया जा रहा है। इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, यूपी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन व आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी द्वारा सभी लोगों को प्रारंभिक जीवन रक्षक जानकारी देने का यह प्रयास है। इस तरह के दृश्य नए नहीं हैं, सभी लोगों ने किसी न किसी तरह से इन्हें देखा है। जैसे जैसे वाहन व रफ्तार बढ़ रही है, वैसे वैसे दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं और उसी के साथ समय पर सहायता देने की आवश्यकता भी बढ़ रही है। इस वर्ष की थीम सेव सेल्फ सेव वन है, अर्थात खुद को भी सुरक्षित रखें व कम से कम एक जीवन बचाने का प्रयास करें। वह एक आपका दोस्त हो सकता है, घर का कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जो सड़क पर पड़ा है, उसके लिए आपकी मदद उसकी जान बचा सकती है, क्योंकि मेडिकल हेल्प पहुंचने के में समय लगता है और दुर्घटना के तुरंत बाद का समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस वर्ष हमारा मिशन है 1 लाख लोगों को जीवन रक्षक बनाना। अब सवाल उठता है कि यह समय इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? दिमाग को यदि 3 से 5 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसमें परमानेंट डैमेज या मरीज की मृत्यु हो सकती है। जीवन रक्षक कार्य ये ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जो इस गोल्डन पीरियड में जान बचा सकता है। सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में भारत सबसे ऊपर देशों में से है। लगभग 4.5 लाख दुर्घटनाएं व लगभग 1.5 लाख मृत्यु 2019 में देश में रिपोर्ट हुई हैं। इनमें से 70% मरने वाले लोग 45 साल से कम उम्र के थे और 85% लोग 60 साल की उम्र से कम के काम करने वाली उम्र के लोग थे। इन दुर्घटना के मरीजों की मदद करने में सबसे बड़ी रुकावट पुलिस कार्रवाई का डर है, जिसे हटाने के लिए 2019 के मोटर व्हीकल एक्ट में परिवर्तन किया गया है। इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी दुर्घटनाग्रस्त की मदद करने पर पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा मिली हुई है। अब इसके लिए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सड़क पर पड़े हुए विक्टिम को ले जाकर अस्पताल पहुंचा सकते हैं, जितना संभव हो उसकी मेडिकली मदद कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे पट्टी, रुई, टेप, मरहम, कपड़ा इत्यादि एक छोटी सी किट के रूप में गाड़ियों में आना अनिवार्य है और वैसे कोई भी इसे अपने साथ रख सकता है, जो कि किसी की जान बचा सकता है। ये 4 चीजें जीवन रक्षा के लिए आवश्यक हैं। नंबर 1, मदद के लिए आसपास के लोगों को एम्बुलेंस को या पुलिस को बुलाना। नंबर 2, जरूरत पड़ने पर तुरंत CPR करना, इसकी सभी को जानकारी होनी चाहिए। नंबर 3, अर्ली डिफिब्रिलेशन। और नंबर 4, रिससिटेशन के बाद की देखभाल। 3 और 4 नंबर के काम विशेषज्ञों के हैं, मगर मदद के लिए बुलाना और अर्ली CPR, ये दोनों हरेक को जानकारी होना आवश्यक है। किसी भी दुर्घटना में पहली आवश्यकता है चोटिल के आसपास की जगह को सुरक्षित करना या उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना। इसके लिए आप उसके आसपास सुरक्षा का रास्ता लोगों की मदद से सुरक्षित कर सकते हैं या उसके आसपास एक सेफ एरिया बना सकते हैं, जिससे उसको और चोट न पहुंचे। इसके बाद आप उसका रेस्पॉन्स देखना है। उसको हल्के से कंधे से हिलाकर नाम पूछें, आंख खोलने को कहें, कहां कहां चोट लगी है ये पूछें। अगर वो जवाब नहीं दे रहा है तो आपको लोगों को मदद के लिए बुला रहा है, और किसी को बोलें कि वो एम्बुलेंस को कॉल करे या 112 पर कॉल करे।
अगर चोटिल व्यक्ति की सांस चल रही है परंतु जवाब नहीं दे पा रहा है तो उसे रिकवरी पोजीशन में रखना है। ये रिकवरी पोजीशन की स्लाइड है। मरीज को करवट से लिटाना है, ऊपर का पैर और हाथ मोड़ कर रखना है और गर्दन सीधी रखनी है। अगर किसी के हाथ पैर में चोट है तो उसे दूसरी ओर करवट दिलानी है। करवट से लेटने से खून व उल्टी अगर होती है तो फेफड़ों और सांस की नली में जाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं व मरीज के लिए खतरा कम हो जाता है। अगर मरीज जवाब नहीं दे पा रहा है व सांस भी नहीं चल रही है तो तुरंत 112 पर कॉल करनी है या किसी से करवानी है और सीपीआर शुरू करना होगा। सीपीआर में आपको याद रखना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी को भी समझाकर सीपीआर करवा सकते हैं। थोड़ी सी भी आपकी मदद किसी की जान बचा सकती है। कभी भी ऐसे मरीज की सीपीआर नहीं करनी होती जो जवाब दे पा रहा है या जिसकी सांसें चल रही हैं। सीपीआर की फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, मतलब दिल व फेफड़े को पुनर्जीवित करना। इसके तीन पार्ट होते हैं, सी ए बी। सी इज फॉर सर्कुलेशन, ए इज फॉर एयर वे एंड बी इज फॉर ब्रीदिंग। सर्कुलेशन या खून का दौरा बनाए रखने के लिए आपको मरीज के पास घुटने के बल बैठना है, उसकी कलाई पर या गर्दन पर या जहां पर आप कर सकें वहां पर उसकी पल्स चेक करनी है। यदि मरीज की पल्स नहीं है तो मरीज के सीने पर अपने हाथ रखने हैं, अपनी कोहनियां सीधी रखनी है, दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखने हैं, उंगली आपस में फंसानी है। सीने को बीच में से इतना दबाना है कि वो अंदर 4 से 5 सेंटीमीटर तक मूवमेंट हो। ये प्रक्रिया लगभग 1 मिनट में 100 बार दोहरानी है। इस दौरान आपको पल्स चेक करते रहनी है या किसी से करवाते रहना है। सांस का रास्ता खोलने के लिए गर्दन के नीचे हाथ डालकर उठाएं, माथे पर हाथ रख के सिर पीछे को झुकाएं। इससे सांस की नली सीधी होने से रास्ता आसान हो जाता है और सांस में रुकावट कम हो जाती है। ठोड़ी को हाथ लगाकर उठाने से जीभ गले में नहीं जाती व सांस जाने के लिए रास्ता साफ रहता है। इसके बाद भी यदि सांस नहीं शुरू होती है तो सिर को एक तरफ घुमाएं, वो दो उंगलियों से मुंह के अंदर से साफ कर दें, जैसे टूटा हुआ दांत, खून का कतरा या कोई खाने की चीज जो सांस को रोक सकती है उसको निकाल दें। इसके बाद फिर से देखें कि सीने में कोई चाल है कि नहीं, मुंह या नाक से सांस की आवाज है या नहीं, सांस निकलती हुई महसूस हो रही है या नहीं। यदि इसके बाद सांस शुरू हो जाती है तो मरीज को रेस्क्यू पोजीशन में यानी करवट से लेटा कर रखें और बार बार चेक करते रहें। यदि सांस नहीं शुरू होती है तो फिर सांस देना शुरू करना होगा। इसके दो तरीके हैं। पहला है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। इसके लिए गर्दन व ठोड़ी को उठा के रखना है, नाक अच्छी तरह से बंद करनी है, खुद सांस लें, मुंह पर मुंह रखकर तब तक सांस दें जब तक सीना उठने न लगे। इस प्रक्रिया में लगभग 1 सेकेंड लगना चाहिए। इसके बाद ध्यान से देखें कि सीना उठ रहा है या नहीं, अपना मुंह हटाकर खुद सांस लें। यह सब चीजें आपको 3-4 सेकेंड में दोबारा से करनी है। इसके अलावा माउथ टू नोज रेस्पिरेशन भी दिया जा सकता है। इसमें गर्दन और ठोड़ी की स्थिति वही रहेगी। मुंह को अच्छी तरह से टाइटली बंद करना है, नाक से मुंह लगाकर सांस देनी है। सांस तब तक देनी है जब तक सीने का उठना शुरू ना हो जाए और ये लगभग 1 सेकेंड में करना है और हर 4 से 5 सेकेंड बाद दोहराना है। माउथ टू नोज रेस्पिरेशन कब देना है? सबसे जरूरी चीज, जब मरीज का मुंह नहीं खुल पा रहा है। दूसरी बात, जब अच्छी तरह से मुंह सील नहीं कर पा रहे हैं।
तीसरी चीज, जब मुंह में बहुत ज्यादा चोट है। चौथी चीज, अगर मरीज का पेट ज्यादा फूला हुआ है। यदि सर्कुलेशन और ब्रीदिंग दोनों एक साथ करने हैं तो हर 4-5 बार चेस्ट प्रेस करने के बाद एक बार सांस लेनी होगी। सीपीआर कब बंद करना है यह जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मेडिकल हेल्प मिल जाती है तब आप रोक सकते हो। मरीज के खुद सांस लेना शुरू करने पर या जीवन के उसमें सिम्टम्स आने पर आप उसे रोक सकते हैं। अपने बहुत ज़्यादा थकने पर आप इसे रोक सकते हैं और दूसरे को हैंड ओवर कर सकते हैं। आप उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, उसे निर्देशित कर सकते हैं। और जब मेडिकल टीम आने की वजह से, जब आपके पास डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है, उस टाइम आप इसको रोक सकते हैं। जीवन रक्षा के लिए कुछ और आवश्यक उपाय भी हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे खून बहने से रोकना। इसके लिए आप बैंडेज बांधकर या उस जगह पर दबाव देकर उस ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं। हाथ पैर टूटे होने पर, फ्रैक्चर्स होने पर आपको उन्हें सपोर्ट करना है। आसपास जो भी चीज़ मिले उससे सहारा देना होता है, चाहे लकड़ी का फट्टा हो, डंडा हो, गत्ता हो, और कुछ नहीं मिले तो मरीज के शरीर का दूसरा हिस्सा हो। मरीज को जितनी जल्दी संभव हो निकट के अस्पताल में या जहाँ पर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ शिफ्ट करना। एक और ऐसी ही स्थिति जहाँ पर आप किसी की मदद कर सकते हैं व उसकी जान बचा सकते हैं, वो है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या सांस की नली के रास्ते में रुकावट। ये भी जान के लिए खतरा होती है। हल्की रुकावट में मरीज बोलना व खांसना कर पाता है, परंतु ज़्यादा रुकावट में मरीज संभव है कि बोल भी ना पाए, आपको बता नहीं पाए और सांस भी ना दे पाए। सांस की नली में रुकावट या कुछ फंसने पर मरीज को खांसने के लिए बोलना होता है। जोर से खांसने से कई बार सांस की नली में अटकी हुई चीज़ बाहर निकल जाती है। अगर इस तरह से संभव नहीं है तो मरीज को आगे झुकाकर उसकी पीठ पर जोर से थपथपाना होता है, उससे उसकी सांस की नली में जो भी रुकावट है वो चीज़ हट सकती है। अगर मरीज स्वयं कर सकता है तो दोनों हाथ बांधकर पेट के ऊपर के हिस्से में अंदर की तरफ झटके से दबाव देना होता है, जिससे सांस की नली में प्रेशर पड़ने से कोई भी चीज़ जो अटक रही है वो निकल सकती है। अगर उससे संभव नहीं हो पा रहा है तो कुर्सी का सिरा या ऐसी कोई हार्ड ऑब्जेक्ट, वो भी पेट के ऊपर के हिस्से पर लगाकर उसे प्रेशर दिया जा सकता है, जिससे कि सांस की नली की रुकावट हट जाए और सांस सुचारू हो सके। यदि मरीज के लिए ये करना संभव नहीं है तो उसके पीछे आप खड़े होकर अपने दोनों हाथों को मरीज के पेट पर रखें, नाभि के ऊपर अंदर की ओर झटके से दबाएं। ये प्रक्रिया 3-4 बार दोहरा सकते हैं और इससे सांस की नली में अटकी हुई चीज़ को निकाला जा सकता है। ये डिफिब्रिलेटर है, ये एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग डिवाइस है जो कि हृदय गति रुक जाने की स्थिति में मेडिकल पर्सनल द्वारा इलेक्ट्रिक शॉक दे के हृदय के काम दोबारा से शुरू करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इससे हृदय की गति दोबारा से सुचारू की जा सकती है। तो अभी तक की जानकारी को फिर से दोहराने के लिए, सबसे पहले मरीज को सेफ करना है, उसके आसपास का जो एरिया है उसे सेफ करना है, मरीज की समस्याओं के लिए रेस्पॉन्ड करना है हमें, और हेल्प के लिए कॉल करना है। अगर मरीज सांस ले रहा है तो उसको रेस्ट की पोजीशन में रखना है, यानी कि करवट से लेटाकर ऊपर का हाथ और पैर मोड़कर और गर्दन सीधी रखनी है। उसे बार बार चेक करना है जब तक आपके पास मदद नहीं आ जाती। अगर मरीज सांस नहीं ले रहा है ऐसी स्थिति में इमरजेंसीज को कॉल करना है 112 पर और स्टार्ट सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन हमें स्टार्ट करना है। ऐसी स्थिति में मरीज के मुंह में कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं डालें। मरीज की हालत को और ख़राब होने से बचाना है। मरीज को गर्म रखना है। मरीज को बार 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 सांत्वना देनी है। उससे अच्छी तरह से बात करनी है। खुद शांत रहना है और मदद के लिए बुलाना है।
अब कुछ जानकारियां अपनी हड्डियों को, जोड़ों को, हाथ पैरों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ाना हमें कसरत करनी चाहिए, कम से कम 20 मिनट। इससे आपकी मसल्स में टोनिंग होती है और मजबूती आती है। इससे हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बनी रहती है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होती है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों के लिए खास तौर से आउटडोर गेम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे उन्हें खुली हवा में सांस लेने से हेल्थ इम्प्रूव होती है, सनलाइट एक्सपोजर होता है और मसल्स और बोन्स एंड जॉइंट्स में सबको हेल्प मिलती है। सनलाइट का एक्सपोजर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे शरीर में विटामिन डी बनती है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा नॉर्मल रहती है, हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। एक वेल बैलेंस डाइट हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रिशियस फूड, जिससे आपको विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ये सारी ज़रूरी मात्रा में मिलें, खास तौर से प्रोटीन, हाई कैल्शियम कंटेंट वाला मिल्क प्रोडक्ट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम हेल्दी रह सकें। जंक फूड्स, बहुत ज़्यादा तला हुआ, ये सब नहीं खाना है। इससे वजन बढ़ने की समस्या होती है और पाचन खराब होता है। सिगरेट और शराब का प्रयोग न करें, इससे हड्डियों में कमजोरी आती है व हड्डी जुड़ने की ताकत कम हो जाती है। ये सारी जानकारी टीम CSRC, इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की ओर से आप लोगों तक पहुंचाई गई है। हमें विश्वास है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसे और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। यदि इस प्रयास से हम लोग एक जीवन भी बचा पाते हैं, तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि होगी। आशा है आप लोग भी अब सड़क पर पड़े किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखकर जितना संभव होगा उतना उसकी मदद करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।